अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना आमिर और आप देख रहे हैं किचन विद सना आमिर के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल गोश्त। उसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं, गोश्त लिया मैंने, मटन लिया आधा किलो वॉश करके रखा हुआ है, चने की दाल लिया मैंने एक पाव, इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके इसमें पानी डाल के आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था, फिर पानी फेंके ये रखी हुई है। ऑयल लिया है हमने बे लीफ दो बड़ी इलायची, और हमने लौंग लिए 6 से 7, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हमने 2 टेबल स्पून। इसके अलावा हमने लिया सॉल्ट, आप अपने हिसाब से ले लें, मैंने 1 टेबल स्पून लिया हुआ है। हल्दी लिया 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी लिया है, और 1/2 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, और 1/2 टीस्पून मैंने कुटी मिर्चें लिए हैं, और मैंने पिसा धनिया लिया है 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हमने लिए भगार में डालने के लिए 1 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, और ये हमने लिया है पुदीना लिया है 6-8 स्टिक, 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 1/2 टीस्पून हमने लिया है ज़ीरा, और ये अदरक है, ये जुलियन कटिंग करके रखा है हमने थोड़ा सा, 6 से 7 हरी मिर्च, 1/2 कप ऑयल डालेंगे, बाकी हम बचाएंगे ऊपर से भगार करने के लिए, यही ऑयल यूज़ करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब हम ये डालेंगे गर्म मसाला, और प्याज डाल करके हल्की लाइट पिंक करेंगे। जब हमारी प्याज लाइट पिंक हो जाएगी तो फिर हम गोश्त डालेंगे। प्याज हमारी पिंक हो गई है, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और गोश्त डाल के इसे अच्छे से भूनेंगे ताकि गोश्त का कच्चापन ख़त्म हो जाए, थोड़ी मीडियम फ्लेम पर। गोश्त हमारा अच्छे से भून गया, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको 10 मिनट के लिए रखेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि मसाला और ये अच्छे से अपना तेल छोड़ दें। गोश्त हमारा 10 मिनट हो गए हैं, देखें अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें इसी स्टेज पर इसमें दाल डालेंगे जो हमने भिगो के और पानी भीग के रखी हुई थी, ये दाल डाल देंगे हम इसमें और पानी ऐड करेंगे। देखते हैं हमें कितना पानी चाहिए, 1 गिलास, ये 2 गिलास और ये 1/2 गिलास बस। अब इसी में ये दाल और गोश्त गलेगा, तकरीबन आप इसको 20 से 25 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर आप इसको रख दें 20 से 25 मिनट के लिए, जिससे में दाल बॉयल गल जाएगी और हमारा गोश्त भी गल जाएगा। 20 मिनट हो गए, ये देखें हमारा गोश्त और दाल अच्छी तरह गल गया है, बस ये हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए। हम इसमें अदरक और हरी मिर्ची डालेंगे और 2 मिनट का दम देंगे और अलग से हम भगार बनाते हैं। पैन हमारा गरम हो गया, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, गरम करेंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया, अब हम इसमें प्याज डालेंगे और इसे लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हमारी दाल एकदम रेडी है, अब हम इसमें पुदीना डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे और ये भगार डाल देंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये लग गया हमारा तड़का। हमारी डिश रेडी हो गई है, चने की दाल गोश्त। आप हमारे तरीके से बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बेल आइकन पर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।